घोर कलयुग के समय में मन इंद्रियां इंसान पे इतनी हावी है, इतनी छाई हुई है कि उसे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, सात का ऐसा चक्रव्यूह है कि इससे निकलना कोई आसान काम नहीं है। इंसान कितना भी सुखी हो, कितना भी दुखी हो, ये मन कभी काबू नहीं आता जब तक राम का नाम ना जपा जाए। और मन का काम विचार देना है। इंसान को ऐसे ऐसे विचार देता है कि इंसान मालिक से बेइंतहा दूर हो जाता है। मन का काम है चकमा देना, मन का काम है धोखा देना, और ये मित्र बन के, दोस्त बन के धोखा देता है। जब इंसान के अंदर कुछ नहीं होता, पंजाबी में एक कहावत है, गड़ लगदा फिरदा है, मतलब ना तो भक्ति, ना सेवा, बचनों की काट दड़ादड़, ऐसा इंसान फिर किसी न किसी के गढ़ लगता रहता है। और ये मन की चाल है, मन हमेशा इंसान को गुमराह करता है। कोई बहाना ढूंढता है, कोई इशारा ढूंढता है, तू कौन मैं खामखा वाली बात मन करवा देता है। मन बड़ा ही जालिम है, इंसान की बुद्धि विवेक सब खत्म कर देता है। और जब मन बिगड़ जाए, किसी गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है मैं जो कहता हूं वही सही है, बाकी सारी दुनिया, आम तौर पे भक्तों के लिए परम पिताजी ने वचन किए, सारी दुनिया एक पासे मेरा सदगुरु प्यारा एक पासे, ये तो है भक्तों के लिए। पर जो मन के मारे हुए हैं उनके लिए मैं अकेला एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ, उसकी मैं ही ठीक नहीं आती। कहते हैं बकरा जब ज्यादा मैं करने लगता कसाई ले जाता है, पता नहीं कौन सा रोग, पता नहीं कौन सी बीमारी, पता नहीं कौन सा कर्म इंसान पे भारी पड़ना होता है जब जो ज्यादा मैं करता है। तो अपनी खुदी को दबा के रखो, मन को काबू में रखो, बिना वजह मन की तूल ना पकड़ो, वरना मन के मारे कभी उठा नहीं करते। कई इंसान ऐसे होते हैं जो संत पीर फकीरों की सुनते रहते हैं पर वो उनकी बात मानते नहीं। हमारे धर्मों में लिखा है नशा ना करो, हमने तो सारे धर्म पढ़ लिए, सभी में लिखा हुआ है नशा मत करो, बुराई मत करो, लेकिन लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और मानने के नाम पे जीरो है, मानते नहीं। कोई कथा वार्ता कर रहा था, दूसरा सज्जन आके वहां बैठा, और जब उसने संतों की वचन सुने पसीने छूट गए, वो थर थर कांपने लगा। पढ़ने वाले का जब टाइम पूरा हुआ वो उसे बाहर ले गया, कहता भाई तू थर थर क्यों कांप रहा था, तेरे पसीने क्यों छूट रहे थे। कहता यार संतों ने भिगो भिगो के जूते मारे हैं, इतना कुछ लिखा है, इतना रोक टोक की है, मैं तो कांप गया। वो जो पढ़ के आया था कह लेंगे देख एक हमें रोज चित्र खाते हैं और रोज ही ऐसा काम करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। तो वो तो देख रहा है, उसकी बेआवाज लाठी जब पड़ती है ना, मान ना मान भाई, फिर तो सबको पता चल जाता है। क्यों मन के पीछे चलते हो, क्यों मन के बहकावे में आते हो,
एक कहावत और भी होती है कि मन जब डुबोता है ना, एक को नहीं कईयों के लगे बैठ जाता है। आप डूबेंदे मामना जजमान भी डूबे, ये कहावत। मैं हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मन ये चाल चलता है। एक मनमता आदमी कहीं इकट्ठ में बैठा हो, वो ऐसी छुरछुरी छेड़ेगा या फुलझड़ी छोड़ेगा कि आसपास वाले भी जल जाते हैं, जो हां में हां या हूं हूं या हां हां करते रहते। तो मनमते लोगों से दूरी रहिए, सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। इंसान की गंदी सोच मन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो जैसा खुद होता है, जब खुद पे शिकंजा कसता है तो वो छटपटाता है, और मन कहता नहीं तू अब ये कर, तू अब वो कर, अब ये बहाना ढूंढ, तू वो ढूंढ, और जो उनके चमचागिरी करते रगड़े वो भी जाते हैं। सो मन के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। फिर माया, माया इंसान को भरमाती रहती, तरह तरह के रूप बनाती है, तरह तरह के भेष बनाती है, और जो इंसान माया के हाथों गुमराह हो जाता है वो कभी बचता नहीं। माया के दो रूप, एक जहरी तौर पे, यानी एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जमीन जायदाद, धन दौलत, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यानी जो गलत चलने के लिए प्रेरणा दे। माया किसी भी रूप में आ सकती है। और दूसरा कारण है अप्रत्यक्ष। सारे धर्मों में लिखा हुआ है ये दुनिया झूठ है, दुनिया का साजो सामान झूठ है, लेकिन माया क्या करती है, सारी झूठी चीजों को सच बनाती है, और सच अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम को झूठ बताती है, और आदमी इसके भरम में फंस जाते हैं। आज जिसको मर्जी देख लो, पूरी जनसंख्या के आधार पर अगर कहें तो राम राम तभी करेंगे अगर आपकी जेब में माया है, आपकी राज पहुंच है, या आप किसी बड़े ओहदे ऑफिसर हैं तो आपको अनजान लोग भी राम राम करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो अपने भी मुंह मोड़ लेंगे, यार ये इससे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ मांगेगा। ऐसी है माया की मोहनी, ऐसा है माया का जा। जो इसमें फंस जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, फिर वो बच नहीं पाते। तो इसलिए माया से और मन से अगर बचना चाहते हो तो सुमरण किया करो, सेवा किया करो। सेवा और सुमरण ही एक तरीका है जो इंसान को मन माया से बचा सकता है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा सकता है, ईर्ष्या दुई द्वेष से बचा सकता है।